पारिवारिक आय व्यय बजट बचत और बैंकिंग के विषय में पढ़ेंगे। देखते हैं आय और व्यय बचत क्या है। तो किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो रुपयों और पैसों के रूप में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वह उसकी आय कहलाती है। जो व्यक्ति जो कार्य करता है उस कार्य के बदले में उस व्यक्ति को जो उसका पारिश्रमिक जो श्रमिक प्राप्त होता है वह उसकी आय कहलाती है। यह आय नौकरी के वेतन के रूप में या किसी उद्योग के द्वारा अर्जित धनराशि के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। और आय दो प्रकार की होती है, पहला प्रत्यक्ष आय और दूसरा अप्रत्यक्ष आय। तो प्रत्यक्ष आय धन के रूप में उपलब्ध होने वाली राशि को प्रत्यक्ष आय कहते हैं। प्रत्यक्षतः धन के रूप में जो राशि उपलब्ध होती है उसे प्रत्यक्ष आय कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी व्यवसाय के लाभ की रकम या नौकरी का वेतन या मकान या दुकान आदि का किराया या नहीं तो बैंक में जमा धन राशि का ब्याज सभी प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी है अप्रत्यक्ष आय। तो इसका अभिप्राय उन सुविधाओं से है जिन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी आमदनी से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे किसी नौकरी में निशुल्क चिकित्सा, निवास और बच्चों की शिक्षा की सुविधा रहती है। रेल विभाग में निशुल्क यातायात के, मिलिट्री की नौकरी में दैनिक वस्तुओं की मूल्य में कुछ रियायत की सुविधा प्रदान की जाती है। ये सारी सुविधाओं से मिलने से परिवार की आमदनी में खर्च नहीं करना पड़ता। इस तरह ये अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। अप्रत्यक्ष आय में व्यक्ति को लाभ तो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि अगर कोई रेल विभाग में नौकरी कर रहा है तो उनको आने जाने में घूमने में उनको किसी प्रकार का टिकट नहीं लेना पड़ता है, उनको शुल्क नहीं लगता, निःशुल्क यातायात होता है। मिलिट्री में जो कैंटीनों में सामान मिलता है उसको बहुत ही कम दरों पे वो सामान उपलब्ध हो जाता है। तो इससे भी अप्रत्यक्ष रूप से आय होती है। अब उपरोक्त दोनों प्रकार की आय परिवार की आय में सम्मिलित रहती है, अर्थात परिवार के मुखिया, अन्य सदस्य या गृहिणी द्वारा अर्जित धनराशि उस परिवार को नौकरी से संबंधित प्राप्त होने वाली सुविधाएं उस परिवार की आय कहलाती है। या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से जो भी आय प्राप्त होती है या जो भी सुविधाएं प्राप्त होती है उस परिवार की आय कहलाती है। और व्यय, आय जो हमको प्राप्त होती है, व्यय आय में से जो हम खर्च करते हैं, उपभोग करते हैं जितनी राशि का, वह व्यय कहलाता है। तो अधिक प्रयत्नों से प्राप्त आमदनी के परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पर खर्च किया जाता है। कुछ अंश भविष्य के लिए बचा लिया जाता है और कुछ अंशों को उचित उपभोग कर रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। इस तरह परिवार के संपूर्ण आय पर ही घर की व्यवस्था का संचालन निर्भर है। यदि आय के साधन पर्याप्त हैं तो गृहिणी उनका विवेकपूर्ण ढंग से विनियोग करती है और सदस्यों को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जहां आय के साधन पर्याप्त नहीं होते वहां गृहिणी स्वयं अपने परिचय द्वारा परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहयोग देती है। मितव्ययिता के तरीकों को अपनाकर धन का अपव्यय नहीं होने देती। कहने का तात्पर्य है कि आय के हिसाब अगर परिवार में आय परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप है तो गृहिणी को परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को भली भांति पूरा कर सकती है, उसको उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में परेशानी नहीं होती। किंतु अगर परिवार की आय सीमित है
और परिवार के सदस्यों की परिवार के सदस्य ज़्यादा हैं, उनकी आवश्यकताएं अधिक हैं, तो फिर गृहिणी को अपने मितव्ययिता के आधार पर क्या करना पड़ता है, उतनी सीमित आय में ही परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऐसा गृहिणी को अपना कुशल निर्देशन के हिसाब से गृहिणी करती है। फिर है गृहिणी का सहयोग। परिवार की आय बढ़ाने में समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलाएं अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार सहयोग देती हैं, ताकि बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला परिवार कर सके। उनके आर्थिक प्रयत्नों का वर्ग के अनुसार क्या स्वरूप होता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो परिवार के वर्गों को बच्चों मालूम है, हम 2 से 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में कोई परेशानी नहीं आती, उनमें धन की कमी नहीं होती, परिवार की आवश्यकता के अनुरूप, और सब जो जिनमें थोड़ा सा परेशानी आती है वह है निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। तो देखते हैं निम्न वर्ग। समाज में यह वर्ग प्रायः अशिक्षित और पिछड़ा रहता है। इनके निम्न होने का यही कारण है कि वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित न होने के कारण ही वो पिछड़े हुए हैं। रहन सहन, जीवन स्तर उनका नीचा होने के कारण आवश्यकताएं उनकी कम रहती हैं। किंतु इस वर्ग के पास आमदनी भी नहीं रहती कि 2 वक्त भरपेट भोजन कर सकें। अतः इस वर्ग की महिलाएं कठोर परिश्रम, शारीरिक परिश्रम द्वारा परिवार की आमदनी बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इनके आर्थिक प्रयत्नों का स्वरूप साधारण घरेलू स्वच्छता संबंधी कार्य, जैसे बर्तन, वस्त्र धोना, फर्श धोना आदि, भवन निर्माण के कार्य के समय मजदूरी, खेतों और कारखानों में मजदूरी करना, सब्जी बेचना आदि कार्य होते हैं। तो निम्न वर्ग की महिलाएं जो अशिक्षित होती हैं, अशिक्षित होने के कारण वो पिछड़ी हुई हैं, फिर भी वो शारीरिक श्रम करके अपने परिवार की आय को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती हैं। वह निम्न कार्य करती हैं, जैसे घरों में बर्तन साफ करना, वस्त्र धोना, झाड़ू पोछा करना, या मजदूरी का कार्य करना, खेतों कारखानों में काम करना, फल सब्जी आदि बेचना। फिर आता है मध्यम वर्ग। तो समाज के हर वर्ग में कुछ अनपढ़ महिलाएं भी होती हैं, जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा के ख्याल से निम्न वर्ग की भांति शारीरिक श्रम के कार्यों को नहीं अपना सकते, किंतु गृह कार्यों में निपुण होने के नाते वे आया रसोई वाली जैसे कार्यों को अपना लेती हैं। थोड़े से प्रशिक्षण और सिलाई पढ़ाई लिखाई के आधार पर मध्यम वर्गीय स्त्रियां नर्स, ग्राम सेविका, अध्यापिका, स्टेनोटाइपिस्ट आदि कार्यों द्वारा भी धनोपार्जन करती हैं। निम्न वर्ग से ऊंचा होता है मध्यम वर्ग। तो महिलाएं अपने वर्ग के आधार पर, अपने स्तर के आधार पर कार्य करती हैं। वो अगर अनपढ़ हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो घरों में खाना बनाना, आया रसोई आदि के कार्य करती हैं। और अगर जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख जाती हैं महिलाएं और अपनी योग्यता के आधार पर नर्स है, अध्यापिका है, स्टेनोटाइपिंग है, ग्राम सेविका आदि के कार्यों द्वारा अपने परिवार की आर्थिक आय या परिवार की आय को बढ़ाने में सहयोग करती है। अब है धन की व्यवस्था। पारंपरिक धन की व्यवस्था। पारंपरिक परिवार की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन धन पर आधारित होता है। धन होगा बच्चों तभी परिवार की आवश्यकताएं पूरी होंगी। धन के आधार पर ही पूरी परिवार की व्यवस्था टिकी हुई है। धन की समुचित आय तो आवश्यक है, और साथ ही आय का समुचित उपयोग ही परिवार को सुनियोजित सुख प्रदान कर सकता है। अगर हम आय का तरीकेबद्ध सुनियोजित तरीके से आवश्यकता अनुसार उसका व्यय नहीं करेंगे, तो हम परिवार को सुख प्रदान नहीं कर सकते। और अगर हम उस धन का अनावश्यक वस्तुओं पर, जो अभी ज़रूरत नहीं है, उन पर खर्च कर देंगे, तो परिवार की आवश्यकताएं बनी रहेगी, जिससे परिवार सुख और खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः
गृहिणी आय के अनुसार खर्च की व्यवस्था करती है और भविष्य के लिए भी वह कुछ बचत करती है। अब है मुद्रा व्यवस्था। तो गृहिणी को अपने परिवार की मुद्रा व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि उसमें कुछ बचत अवश्य हो सके। भविष्य को देखते हुए कुशल गृहिणी अपनी आय में से कुछ पैसे बचाकर रखती है, जो भविष्य में या कभी काम, बीमारी, दुर्घटना में वह उस धन का उपयोग कर सके। तो परिवार के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गृहिणी को प्रतिमाह अपनी आय से कुछ न कुछ अवश्य बचाना चाहिए। बचत का बहुत अधिक महत्व है। पहला, भविष्य की सुरक्षा। अचानक नौकरी छोड़ जाने, व्यक्तिगत व्यवसाय में घाटा आने से बचत की रकम का बड़ा सहारा मिलता है। बचत के सहारे से व्यक्ति का भरण पोषण होता है। फिर वृद्धावस्था में सहारा। बुढ़ापे के समय शारीरिक इंद्रियां जवाब देती हैं, तो इसी बचत की रकम के आधार पर वृद्धावस्था में गुजारा आसानी से हो जाता है। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों को उच्च शिक्षा देने, शादी के मौके पर खर्च करने एवं अचानक यात्रा योग बनने पर बचत की राशि काम में आ जाती है। मुखिया की मृत्यु। अगर परिवार का मुखिया अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो बचत की हुई राशि परिवार से परिवार को सुरक्षा मिल जाती है। फिर शारीरिक असमर्थता। किसी आकस्मिक दुर्घटना से परिवार का मुखिया कमाने योग्य नहीं रह जाता, तब यही बचत राशि बड़े काम आती है और संकट का समय आसानी से गुजर जाता है। अपनी की हुई बचत को हम बैंक या पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं। बीमा एक ऐसा करार है जो मनुष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र खरीदे जा सकते हैं। व्यक्ति अपनी बचत की हुई राशि को विनियोग या इन्वेस्टमेंट अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह बचत न कहलाकर संग्रह कहलाएगा। बचत और संग्रह में यही अंतर है। गृहिणी को अपने परिवार के मनी मैनेजमेंट मतलब मुद्रा व्यवस्था इस प्रकार से करनी चाहिए, कम से कम आय का 10% वह बचा सके। इस प्रकार से बजट बनाने में गृहिणी को अधिक लाभ होता है। अब है बजट या अनुमान पत्र। सिडनी मार्गेलियस के अनुसार बजट अपनी आय को व्यय करने की योजना है। अतः हम अपनी आय को आवश्यकता के विभिन्न मदों द्वारा इस प्रकार विभक्त करते हैं कि हमारे व्यय से हमारी आवश्यकता अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो सकती हैं। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, यह गृहिणी है। इसको परिवार की सारी आवश्यकताएं पूरी करनी, उनके भोजन की, उनके मनोरंजन की, उनके कपड़े की, उनके घर की, स्वास्थ्य सेवाएं, उनके भ्रमण आवागमन की सारी आवश्यकताओं को गृहिणी के द्वारा पूरा। अब है बजट का अर्थ। अर्जित धनराशि से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की आकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति की होती है। यह संतुष्टि बजट बनाकर उचित रूप से अनुभव की जा सकती है। बजट का अभिप्राय आय व्यय के उस विस्तृत विवरण से है जिसे विशेष अवधि में संपन्न किया जाता है, अथवा किसी परिवार द्वारा विशेष अवधि के लिए किए जाने वाले आय और व्यय से विस्तृत ब्यौरे को पारिवारिक बजट कहते हैं। बजट लिखित रूप में तैयार किया जाने वाला व्यय का अनुमान पत्रक है। अनुमान पत्रक सर्वथा काल्पनिक होते हैं, किंतु उन्हें अमल में लाते हुए बजट के अनुसार ही व्यय करना एक आदर्श गृहिणी का कर्तव्य है। बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाभ का बजट, दूसरा घाटे का बजट और तीसरा संतुलित बजट। इससे आदमी में कुछ अंश व्यय के पश्चात बचाने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं हेतु कुछ राशि का संचय किया जा सके, जो लाभ का बजट कहलाता है। घाटे का बजट, इस अनुमान पत्रक में आय व्यय आय की अपेक्षा अधिक रहते हैं। परिणाम क्या निकलता कि खर्च पूरा करने हेतु घर की वस्तुओं को बेचना या कर्ज लेना पड़ता है, जो घाटे का बजट कहलाता है। तीसरा संतुलित बजट, आमदनी के अनुसार ही व्यय होता है, न बचत होती है न कर्ज लेना पड़ता है। तो परिवार के लिए हमेशा ही लाभ का बजट बनाने का प्रयत्न गृहिणी को करना चाहिए। किसी विशेष अवधि में अधिक खर्च होने पर, महंगाई के बढ़ जाने पर संतुलित बजट
भी किसी हद तक उचित होता है, किंतु घाटे का बजट परिवार की आर्थिक सुदृढ़ता को आघात पहुंचाता है। इस तरह गृहिणी को घर खर्च का अनुमान इस तरह लगाना चाहिए कि आधे घंटे की घाटे का बजट की कभी भी नौबत न आए। अब है लाभ के बजट। बजट बनाने से क्या लाभ है यह देखते हैं। किसी परिवार का बजट आर्थिक स्थिति का दर्पण होता है। बजट परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। पहला, विवेकपूर्ण व्यय का क्या। बजट बनाने से इस बात का पता चलता है कि परिवार की आमदनी का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कमी तो नहीं। खर्च की किस मद पर आय का कितना प्रतिशत व्यय हो रहा है, इसका स्पष्ट ज्ञान बजट बनाने से होता है। फिर मित्र व्यक्ति की भावना का विमर्श। बजट बनाने से फिजूल खर्ची पर अपने आप नियंत्रण हो जाता है। घर के सदस्य आय के अनुसार खर्च करने के आदि हो जाते हैं और आवश्यक वस्तुओं की खरीदी संकलन की वृद्धि उनमें पनप नहीं पाती। वर्तमान की संतुष्टि। बजट बनाने से वर्तमान खर्चों पर मनन करना आवश्यक होता है। मनन के पश्चात आय का विभाजन इस तरह से किया जाए कि प्रत्येक सदस्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। फिर भविष्य की सुरक्षा। बजट बनाने से वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाती, किंतु भविष्य में सुरक्षा हेतु कुछ राशि संचित करने का अवसर मिल जाता है। बजट के अभाव में किस मद पर कितना खर्च होता है इसका ज्ञान नहीं होता, तो बजट करना भी असंभव नहीं। इसी दृष्टि से बजट बनाना लाभकारी है। फिर योजना बनाने की क्षमता का विकास। बजट के अनुसार प्रत्येक माह घर खर्च चलाने पर गृहिणी के किसी विशेष अवसरों के लिए पर्व विवाह आदि पर कितना और कैसे खर्च होगा, इसका अनुमान करने की क्षमता का विकास होता है। फिर है अगला पॉइंट, हिसाब की नियमितता। बजट बनाने का लाभ उस स्थिति में अधिक अनुभव किया जाता है जब घरेलू हिसाब नियमित रूप से रखा जाए, और नियमित रूप से हिसाब रखने से बजट की सार्थकता सिद्ध होती है। इस तरह बजट का निर्माण हिसाब किताब रखने से प्रेरणा प्रदान करता है। फिर पारिवारिक बजट बनाने के लिए आवश्यक जानकारी। लाभ के बजट बनाने से में गृहिणी तभी सफल हो पाती है जब उसे परिवार संबंधी आवश्यक तथ्यों का ज्ञान हो और सर्वप्रथम पारिवारिक आय के संबंध में जानकारी हो। तभी परिवार के सभी सदस्यों के कुल मिलाकर प्रत्यक्ष आय एवं अप्रत्यक्ष आय की जानकारी होने पर बजट का निर्माण करना सुविधाजनक हो जाता है। अप्रत्यक्ष आय अर्थात निशुल्क आवास, चिकित्सा की सुविधा आदि की जानकारी होने पर इन मदों पर बजट में खर्च नहीं दर्शाया जाएगा और बजट बचत का प्रतिशत बढ़ जाएगा। फिर परिवार का व्यवसाय। अर्थोपार्जन हेतु परिवार के सदस्य जिस कार्य को अपनाते हैं उससे सदस्यों के रहन सहन का स्तर प्रभावित होता है। दूध का धंधा करने वाले और डॉक्टरों की आमदनी में समानता हो सकती है, लेकिन दोनों परिवारों के जीवन स्तर में बहुत अंतर होता है। रहन सहन के अंतर के अनुसार व्यय की मदों में भिन्नता होती है, इसलिए परिवार का बजट बनाते समय व्यवसाय की जानकारी आवश्यक है। फिर है परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र। बजट के बनाने के पूर्व की तथा तथ्य की जानकारी इसलिए आवश्यक है कि यह बजट यह स्पष्ट हो सके कि कितने सदस्य आश्रित हैं, कितने अर्थोपार्जन में सहयोग देते हैं, बच्चे बड़े होने पर उनकी उच्च शिक्षा का व्यय, वृद्धावस्था या शिशु सदस्यों के विशेष आहार का व्यय आदि का अनुमान ठीक ठीक जानकारी आवश्यक है। शहरी अथवा ग्रामीण परिस्थितियाँ। जो परिवार ग्रामों में बसते हैं उन्हें वातावरण के अनुसार घर का खर्च कम करना पड़ता है। आवास, दूध, सब्जी आदि पर खर्च कम होता है। शहरी जीवन, वाहन, निवास, अतिरिक्त अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं, तो बजट बनाने से पूर्व इन सब परिस्थितियों की जानकारी आवश्यक होती है। फिर परिवार की आवश्यकता। बजट बनाने के पूर्व किसी परिवार की आवश्यकताओं की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिससे बजट में व्यय की मदों को स्पष्ट किया जा सके।
और आवश्यकताओं के प्रमुख रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अनिवार्य आवश्यकता। भोजन, विकास, भोजन, निवास और वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं के अलावा सामाजिक रीति रिवाजों का पालन जैसे शादी, त्योहार, अति सत्कार आदि की अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। किसी भी वर्ग को परिवार की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति उसके बजट में प्रमुख स्थान रखती है। फिर है आराम संबंधी आवश्यकताएं। यह उन आवश्यकताओं को कहा जाता है जिनकी पूर्ति से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और इनके अभाव में जीवन यापन कठिन नहीं होता, जैसे गर्मी में बिजली के पंखे, एक डॉक्टर के लिए मोटर कार। रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से भी आराम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है। फिर विलासिता संबंधी आवश्यकताएं, जो मानसिक सुख प्रदान करती है। परिवार की आय, जीवन स्तर, आदत और फैशन पर ये आवश्यकताएं आधारित रहती हैं। किसी परिवार के जीवन स्तर के अनुसार उसके सदस्यों की क्या आवश्यकता की कल्पना हो सकती है, इसको कर सकने में गृहिणी की क्षमता क्या है, निम्न तालिका से और अधिक स्पष्ट हो जाता है। बजट बनाते समय भिन्न भिन्न वर्गों के परिवारों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह कर सके, यह आपके समक्ष तालिका है कि भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट बनाते समय पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की तालिका। प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, मनोरंजन। तो यह आपकी दी है कि आपकी आवश्यकताओं का स्वरूप क्या है, भोजन की, वस्त्र की, घर की, ईंधन की, शिक्षा की, औषधि की, मनोरंजन की, यात्रा की, और उन पर हम कितना और किस हिसाब से खर्च कर सकते हैं, यह इस तालिका में दिखाया गया है। फिर है व्यय की मत। तो अलग अलग परिवारों के बजट, उसकी आय, जीवन स्तर, व्यवसाय, सदस्य संख्या के आधार पर अलग अलग ही होंगे, किंतु उनमें व्यय की मदों में कोई भिन्नता नहीं होती। परिवार के बजट में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। पहला, भोजन, जो सभी परिवारों के लिए आवश्यक है और सभी परिवारों के, यह व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद है। परिवार की आय का सबसे अधिक अंश भोजन पर व्यय होता है। यह व्यय बड़े विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए ताकि सभी सदस्यों को पौष्टिक और स्वास्थ्यप्रद आहार मिल सके। वृद्ध और छोटे बच्चों और रोगी, अधिक श्रम करने वालों को उनकी कैलोरी के अनुसार भोजन प्राप्त हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अधिक महंगे भोजन ही स्वास्थ्यप्रद होंगे, यह धारणा गलत है और उसको मन से निकाल देना चाहिए। उचित भोजन व्यवस्था करना गृहिणी का कर्तव्य। दूसरा, वस्त्र। व्यय की दूसरी मद वस्त्र है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकता और मौसम के अनुसार वस्त्रों की पूर्ति करना चाहिए। साथ ही ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, तौलिए, खोल, बरसाती, छाते, चप्पल, जूते, वस्त्रों की सिलाई का खर्च भी इसी मद से किया जाता है। फिर है निवास स्थान। किराए के मकानों पर शहरी की स्थितियों में इस मद पर बहुत अधिक व्यय होता है। स्वयं का मकान होने पर भी मकान का टैक्स, मरम्मत, सफेदी का खर्च आदि निवास संबंधी मद में अंकित किए जाते हैं। फिर घर के बाहर घर के अन्य आवश्यक व्यय, जैसे प्रकाश, बिजली, ईंधन, धोबी, नौकर, सजावट आदि पर होने वाले व्यय इसी मद से किए जाते हैं, और जो जीवन स्तर के अनुसार इस व्यय में भिन्नता हो जाती है। फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य। आमदनी की वृद्धि के साथ इस मद का व्यय बढ़ता जाता है। विद्यालय का शुल्क, पुस्तकें, लेखन सामग्री, पत्र पत्रिकाएं आदि इसी मद में आती हैं। परिवार के किसी सदस्य बीमार पड़ने पर दवा, डॉक्टर की फीस आदि का खर्च भी इसी मद में सम्मिलित किया जाता है। मनोरंजन। प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी हैसियत के अनुसार मनोरंजन पर कुछ न कुछ व्यय जरूर करता है, जैसे बच्चों के लिए खिलौने, नाटक, सिनेमा, भ्रमण, पिकनिक, मेला, प्रदर्शनी आदि के व्यय मनोरंजन पर खर्च कहलाते हैं। बचत। परिवार की
परिवार की भविष्य में आर्थिक सुरक्षा बनी रहे, इस दृष्टि से संचय करना प्रत्येक वर्ग के लिए जरूरी है। यह बजट की एक नितांत आवश्यक मत समझी जाना चाहिए। बजट बनाने की सार्थकता ही इसी में निहित है कि दैनिक व्यय के पश्चात बजट के रूप में कुछ रकम बचाई जा सके। मेरे बजट बनाने की विधि। बजट बनाना एक ऐसी वैज्ञानिक विधि कोई नहीं है और किस आधार पर परिवार की आय और व्यय में संतुलन किया जा सके, क्योंकि समाज में विभिन्न वर्गों के परिवारों की आय आवश्यकताओं जीवन स्तर में भिन्नता रहती है। जिनके बजट बनाने में स्थिर नियम लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी जर्मन के अर्थशास्त्री अर्नेस्ट एंजिल के अध्ययन के आधार पर बजट बनाने से ग्रहणीय कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। एलजीएम समाज के तीन वर्गों की आर्थिक दशा एवं व्यय का अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनमें यह स्पष्ट है कि निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग में से किसी भी वर्ग का परिवार हो, सभी की आय, सभी की व्यय की मदें एक समान होती हैं। भोजन, वस्त्र, निवास, ईंधन, मनोरंजन, शिक्षा, ये सभी व्ययें सभी के लिए एक समान होती हैं और प्रत्येक परिवार की व्यय की मदें 5 हैं, जो भोजन, वस्त्र, आवास, प्रकाश, ईंधन और शिक्षा है। इन्हीं मदों पर एंजल्स की खोज ने यह निष्कर्ष तालिका बनाई है कि भोजन पर निम्न वर्ग 65% खर्च करता है, तो मध्यम वर्ग 55%, उच्च वर्ग 50%। ये यहाँ भोजन करते हैं। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग यहाँ पर फल, मेवे और अन्य चीजों का भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वस्त्र पर मध्यम वर्ग का 15%, निर्धन का 15%, मध्यम का 18% और उच्च वर्ग का 20% है। पर इन सबकी मदों का अगर अपन जोड़ देखें तो सबका जोड़ एक समान आता है। निर्धन का भी 100%, मध्यम का भी 100% और उच्च का भी 100%। एंजल्स के अध्ययन से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आमदनी के साथ साथ भोजन पर व्यय का प्रतिशत क्रमशः घटता है। वस्त्र, आभास, आवास, ईंधन, प्रकाश, इन तीनों पर व्यय एक समान रहता है। आय के बढ़ने पर स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और घर के अन्य व्यय बढ़ते हैं। परिणामतः उन पर आमदनी में से आय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। एंजल्स द्वारा निर्धारित उपयुक्त सिद्धांत तो है, किंतु प्रत्येक दशा देश की दशाओं में उन्हीं पर अमल नहीं किया जा सकता। एंजल्स ने व्यय की मदें भी कुल 5 दशाएं, जबकि परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार मनोरंजन, बचत, नौकरी, धोबी जैसे अन्य व्यय को भी बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें परिवार का मासिक बजट बनाना अधिक सुविधाजनक होगा। प्रति माह इस तालिका के अनुसार बजट का निर्माण कर गृहिणी पारिवारिक बजट बनाने में अपनी निपुणता प्राप्त कर सकती है। अब यह कि विभिन्न वर्गों द्वारा अनुमानित बजट, तो एंजल्स ने 5 ही मद बताई थी, भोजन, वस्त्र, प्रकाश, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग मदें हैं जो उच्च, मध्यम, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए है। ये तालिका तो भोजन, वस्त्र, निवास, प्रकाश, शिक्षा, नौकर धोबी, मनोरंजन, बचत और अन्य व्यय, तो ये प्रत्येक के लिए इन आय के हिसाब से व्यय का प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग होगा, परंतु इन सब का जोड़ अंत में एक ही आता है। अब है खरीदार। खरीदारी और हिसाब रखना ये भी एक कला है और जो एक गृहिणी को आनी चाहिए। और देखते हैं कि क्रय निपुणता का महत्व। खरीदारी या क्रय कुशलता एक ऐसी कला है जिससे गृहिणी वस्तुओं के क्रय के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है, अपने अर्थ के व्यय को सार्थक समझती है। यदि वस्तुएं उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की खरीदी जाती हैं, तभी संतोष का अनुभव गृहिणी करती है।
तो खरीदारी और हिसाब रखने का भी अपना महत्व होता है। प्रत्येक गृहिणी को अपने घर के लिए स्वयं बाजार जाकर ही सामान खरीदना चाहिए, उसे नौकरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक तो अच्छी किस्म का अच्छी सामान आ जाएगा और दूसरे उनके द्वारा लाया गया सामान मात्रा में कम निकलना है, तीसरा वे मूल्य अधिक देकर आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नौकर द्वारा सामान मंगवाने पर हमें बहुत नुकसान होता है। इससे गृहिणी को यह कार्य स्वयं करना चाहिए और गृहिणी को कार्य में क्रय में कुशल होना चाहिए। क्रय कुशलता नहीं होगी तो दुकानदार उससे वस्तुओं के अधिक दाम लेंगे। यह भी हो सकता है कि दुकानदार उसे कोई वस्तु दिखला दे और बांधते समय दूसरी दे दे, उसे ऐसी वस्तु दे दे जो देखने में बहुत सुंदर दिखती हो परंतु टिकाऊ। अतः गृहिणी को क्रय संबंधी ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब खरीदारी के भी प्रकार होते हैं, दैनिक क्रय, आवधिक क्रय, आकस्मिक क्रय और कदाचित। तो दैनिक खरीदारी में वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम इकट्ठा खरीद कर नहीं रख सकते और प्रतिदिन खरीदना ही पड़ता, जैसे दूध, दही, मक्खन, सब्जी, फल, फूल, डबल रोटी आदि। फिर दूसरा आवधिक, वह पूरे माह के लिए इकट्ठा सामान खरीद लिया जाता है। वह सभी वस्तुएं खरीद ली जाती हैं जिनके खराब होने की संभावना नहीं होती और जिन्हें बार बार खरीदे जाने पर समय, धन व श्रम अधिक लगता है, जैसे अनाज, दालें, गुड़, साबुन, कपड़े भी साल में दो या तीन बार इकट्ठे ही खरीदे या बनवाए जा सकते हैं। फिर आकस्मिक व्यय, इसमें वे वस्तुएं आती हैं जो आकस्मिक स्थिति में खरीदी जाती हैं, जैसे अचानक बीमार पड़ने पर दवाइयाँ, किसी के यहाँ शादी, ब्याह, जन्मदिन आने पर उपहार देना और कदाचित व्यय। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जो कभी कभी खरीदी जाती हैं, जैसे परिवार तो उन्हें जीवन में एक बार ही खरीद सकते हैं, इसका खरीदा जाना बजट पर निर्भर करता है। फिर वस्तुओं का एक क्रय करने का सिद्धांत, वस्तुओं को क्रय करने की भी एक कला होती है जिसमें सभी पारंगत नहीं होते। क्रय करने के कुछ नियम दिए, तो पहला है क्रय या वस्तु खरीदते समय जाने से पहले अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए सूची बना लेनी चाहिए और उसी के अनुसार ही अपना खरीदारी करना चाहिए। दूसरी, वस्तु पक्की टिकाऊ खरीदनी चाहिए जिससे वस्तुओं का प्रचलन न हो तो भी वे वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। वस्तुएं अच्छी टिकाऊ और मजबूत खरीदनी चाहिए और जिन वस्तुओं का चलन नहीं है, जो पुरानी हो गई हैं, उनको नहीं खरीदना चाहिए। वस्तुएं एकदम एक ही जगह पर जाकर नहीं खरीद लेनी चाहिए, दो तीन दो चार दुकानों में पहले उसका मूल्य परख ले फिर जाकर वस्तु खरीदनी चाहिए। जब वस्तुओं के मूल्य गिरे हों तब उस समय वस्तु खरीद लेना उचित होता है। जिस समय जिन वस्तुओं के मूल्य गिरे हैं वे अधिक मात्रा में खरीदी जा सकती हैं। बाजार जाते समय वस्तुओं की सूची बनाकर ले जाना चाहिए। रंगीन वस्तुओं को कभी भी रात में बिजली में नहीं खरीदना चाहिए, बिजली के प्रकाश में उनका रंग ठीक से समझ में नहीं आता है। वस्तु खरीदते समय दुकानदार को एकदम अपनी पसंद नहीं बता देनी चाहिए, वह बढ़कर बतलाएगा। जहां तक हो सके वस्तुएं नगद ही खरीदनी चाहिए। दुकानदार को यह पता नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे स्थान में भी अमुक वस्तु देख कर आए हैं। वस्तुएँ अच्छी किस्म की खरीदनी चाहिए, स्वयं बाजार जाकर खरीदनी चाहिए, नौकरों को अपने साथ ले जाएं जिससे आपको सामान उठाने में आसानी हो। वस्तुओं की परख के लिए उन पर लगे कंपनी के ट्रेडमार्क को ठीक से देख लेना चाहिए। वस्तुएं खरीदकर बिल अवश्य लेना चाहिए। कैश मेमो का मिलान खरीदी हुई वस्तुओं से कर लेना चाहिए। खरीद के समय ज़्यादा भाव तौल करने या खरीदी वस्तुओं को वापस करने पर दुकानदार के मन में ग्राहक के प्रति सम्मान नहीं रहता। अब है हिसाब किताब। गृहिणी के अर्थ संबंधी जिम्मेदारियों में से हिसाब रखना महत्वपूर्ण है। हिसाब रखने से कई आर्थिक झगड़ों का निराकरण होता है, इसलिए घरेलू हिसाब रखना परिवार की शांति स्थापित करने में आवश्यक है। तो हिसाब रखने से लाभ, घरेलू हिसाब रखने से इस बात का ज्ञान होता है कि खर्च बजट के अनुसार हो रहा है, नौकर धोबी आदि को दी जाने वाली राशि का अंकन सही हो जाता है।
दुकानदार, दूध वाले आदि का हिसाब पूरा करने पर उसे घरेलू हिसाब में लिख लेने से लेन देन पर कोई झगड़ा नहीं होता। हिसाब रखने से अगले माह का बजट बनाने में सुविधा होती है। हिसाब रखने की आदत से मितव्ययिता को प्रोत्साहन मिलता है। हिसाब बराबर रखने से बचत में प्रेरणा मिलती है। हिसाब रखने से के विवरण से नौकरों की चोरी की आदत का पता चल जाता है और विशेष अवसरों पर क्या क्या और कितना खर्च होना है इसका भी अनुमान आसानी से गृहिणी लगा सकती है। फिर एक घर के खर्च का हिसाब, बाजार का हिसाब किताब रखना, धोबी के हिसाब बाजार का हिसाब रखना भी नितांत आवश्यक है। जो भी घरेलू वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री, वस्त्र, दवाइयाँ आदि प्रतिदिन खरीदी जाए उनका नित्य हिसाब रखना चाहिए। इसके लिए एक अलग कॉपी बनाना चाहिए, उस कॉपी पर हिसाब की कॉपी लिख देना चाहिए। इस कॉपी को निश्चित स्थान पर ही रखा जाना चाहिए ताकि जब इसका उपयोग करना हो तो इसे भूलने में परेशानी हो। दिन भर का हिसाब रात को लिख लेना चाहिए एवं सभी किए गए व्यय का जोड़ लगा देना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि दिन भर में कितना खर्चा हुआ है। महीने की शुरू के दिनों में जब वेतन मिलता है तभी विभिन्न तरह के हिसाब चुकाए जा सकते हैं, जैसे दूध वाले का हिसाब, धोबी का हिसाब, नौकरों की तनख्वाह आदि। किसी से भी किसी तरह का झगड़ा नहीं होता, उसी समय समस्त हिसाब सामने आ जाते हैं। महीने के अंत में खर्च का योग कर देना चाहिए, इससे फिजूल खर्ची नहीं होती और महीने के अंत में थोड़ी बहुत बचत हो जाती। अब ये नमूना है कि हिसाब किताब किस तरह से हम करते हैं। बाजार से खरीदी वस्तु अथवा व्यय का ठीक से हिसाब रखने के लिए एक कैशबुक भी बनाई जा सकती है। यह बताए अनुसार डायरी में रेखाएं खींचकर तैयार की जाए इस तरह की कैशबुक कि अगर हम दवाई लाए तो उस दवाई का नाम, वो मात्रा, एक बोतल है, टैबलेट है और उसमें हमने कितना पैसा खर्चा किया। हम साबुन लाए, दाल लाए, चाय लाए, सब्जी लाए, फल लाए, ऐसे इसके नीचे हम क्रम अनुसार जितने खर्चे करते हैं वो जोड़ते जाते हैं और आखिरी में रात में उसका टोटल कर देते हैं, जो दिन भर की हमारे खर्चों की राशि को दर्शाता है। अब एक कैशबुक घर के हिसाब के लिए एक कैशबुक रखना जरूरी रहता है। कैशबुक बाजार से छपी छपाई भी मिल जाती है एवं नमूना देखकर घर पर भी तैयार की जा सकती है। फिर है डेबिट पक्ष। इस ओर समस्त आय का लेखा जोखा रखा जाता है, जो कि घर में आया है उसे वेतन, मकान किराया, छात्रवृत्ति, बैंक से निकलवा आया धन, जितने भी रुपए आते हैं वो सब घर की आय है और इस पक्ष में लिखी जाती है। डेबिट कैशबुक की दाएं भाग की ओर का भाग डेबिट पक्ष कहलाता है। इसमें उस धन का विवरण लिखा जाता है जो घर से बाहर गया है, जैसे वस्तुएं क्रय करने में, बैंक में जमा करवाने में, उधार देने में जो धन खर्च होता है। ये कैशबुक का एक नमूना है, ये डेबिट का है कि पिछले माह का शेष इतना था, इस महीने ये जो जमा होती राशि उसका है और क्रेडिट जो हम खर्च। अब कैशबुक बनाने से क्या तो कैशबुक रखने से गृहिणी को कुछ लाभ होते हैं। पहला, उसके पास कितना रुपया है और कितना व्यय हो गया, किस व्यक्ति को कितना देना है, किस व्यक्ति से कितना लेना है, कौन कौन से साधनों से आमदनी हुई है और कौन सी मदों पर कितना खर्च हुआ है। घर के व्यय नियंत्रण में रहते हैं तो प्रत्येक गृहिणी को अपने घर में एक कैशबुक रखनी चाहिए। फिर यह है दूध वाले के हिसाब का नमूना कि दूध वाले के हिसाब को हम कैसे अपने हिसाब में लिख सकते हैं। तो ये नमूना दिया है कि दूध कितने लीटर आया, क्रीम कितनी ली और कौन कौन सी वस्तुएं ली और उनका मूल्य क्या है, उनका जोड़ क्या है। तो दूध वाले का हिसाब रखने के भी कुछ नियम होते हैं। किसी दिन अधिक दूध लिया तो किसी दिन कम दूध। दूध की कॉपी पर तिथिवार दूध को लीटर व ग्राम में लिख देना चाहिए, जिससे आसानी हिसाब किताब करने में आसानी होती है। इसी तरह धोबी का हिसाब है। प्राय सभी घरों में कुछ कपड़े प्रतिदिन घर पर ही धुलते हैं, परंतु कुछ वस्त्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें धोबी को देना पड़ता है। सप्ताह में एक बार धोबी को वस्तु देते हैं। धोबी का हिसाब किताब दो रूपों में होता है, धुलने के लिए कपड़ों का लेखा जोखा और धुलाई के खर्चों का लेखा जोखा। इन दोनों हिसाब रखने जरूरी होते हैं।
क्योंकि गृहिणी धोबी को कपड़े अगर बिना लिखे दे देती है और यदि वो कपड़े खो जाए तो बिना लिखे कपड़े देने से कुछ हानि न हो। कुछ सावधानियां गृहिणी को अगर हम बिना लिखे धोबी को कपड़े देंगे तो उनसे कुछ हानियां होती है जो है गृहिणी को पता नहीं लगेगा कि किस समय कितने कपड़े गए हैं, कपड़े खोने की संभावना रहती, धुलाई कराने में कठिनाई होगी, हिसाब किताब रखने में कठिनाई होगी और 50 कपड़े धोने होंगे तो धोबी 100 कपड़े की मांग कर सकता है, कोई प्रमाण न होने पर उसको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, धोबी बेईमानी कर सकता है, बिना लिखे हुए कपड़े देने से फिजूल खर्ची बढ़ती है। फिर है धोबी का हिसाब किताब रखने के भी नियम होते हैं, धोबी की कॉपी अलग बनानी चाहिए एवं गृहिणी को धोबी की कॉपी लिख देना चाहिए। धोबी की कॉपी और पेंसिल के लिए एक निर्धारित स्थान होना चाहिए जहां पर कॉपी कपड़े के लेने देने के लिए रखी जा सके। धोबी को कॉपी यथा स्थान रखने से आवश्यकता पड़ने पर उसे ढूंढनी नहीं पड़ती। आजकल धोबी भी विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए अलग अलग धुलाई लेते हैं, साधारण धुलाई, गर्म और रेशमी कपड़ों की धुलाई, स्त्री आदि के भुगतान बिना परेशानी के किए जा सकते हैं। इसी तरह धोबी का अपन मासिक लेखा जोखा भी रख सकते हैं जिसमें धोबी का नाम, पता, विभिन्न प्रकार की धुलाई की दर, उदाहरण सादी धुलाई, कलफ वाली धुलाई और गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, स्त्री, इन सब का हिसाब रख सकते हैं। उपरोक्त जानकारी धोबी की डायरी के प्रथम पृष्ठ पर अंकित कर लेनी चाहिए जिससे हिसाब करने में गृहिणी को सुविधा हो। ये धोबी के हिसाब किताब की नमूना है कि धोबी का मासिक लेखा किस प्रकार रख सकते हैं। बच्चों यह गृहकार और ये प्रश्नों के उत्तर आपकी किताब में दिए गए हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से भी अपने इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं और अपनी किताब से भी आप इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखें और याद करें।